हेलो, वेलकम बैक बच्चों। आज की क्लास में हम लोग इंजिन्स, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 4 है, थर्मोडायनेमिक्स, 12th क्लास का, ठीक है। और हम पिछली क्लास में आइडियल हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको, ठीक है। तो आइडियल हीट इंजन क्या होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ चुके हैं, एक बार फटाफट से याद कर लेते हैं। मैं डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो हीट इंजन बेसिकली करता ये है कि ये मेरा इंजन है जिसके अंदर एक वर्किंग सब्सटेंस है, ये किसी तो सोर्स से, हीट सोर्स से हीट लेता है, ऐसा यहां से हीट लेगा, ऐसा दिस इज हीट टेकर, ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब। और ये जैसे ही यहां से हीट लेगा, ऑब्वियसली दिस इज हीट सोर्स, इट इज एट हाई टेम्परेचर, एट TH, हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि वो हीट सोर्स है तो उसे हीट देनी है तो वो हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए। एंड दिस वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम दिस हीट सोर्स, इट गिव्स आउट सम पार्ट ऑफ दैट हीट टू मैकेनिकल वर्क। तो यहां से ये कुछ पार्ट में वर्क करेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हीट इज देन ट्रांसफर्ड टू द हीट सिंक। हीट सिंक, ये मैं आइडियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ सारी, ठीक है। प्रैक्टिकल इंजन के बारे में मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करने वाले, बट हम लोग इसको उससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक सोर्स है, ठीक है, रियल इंजन की बात कर रहे थे। अब देखो, इंजन में भी दो टाइप मैंने आपको बताए थे, एक होता है इंटरनल कंबशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंबशन, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, हम जो व्हीकल्स में यूज करते हैं वो इंटरनल कंबशन है, उसमें जो फ्यूल है वो इंजन के अंदर ही बर्न होता है, और वो फ्यूल जो है अपना पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो होता है, अपने टू व्हीलर इंजन की बात करेंगे तो वहां पर हीट सोर्स क्या है, तो वो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है जो जलता है, जलने पर वो हीट अप होता है, टेम्परेचर क्रिएट होता है वहां पर, तो वहां पर जो हीटिंग हो रहा है दैट इज हीट सोर्स इन आर केस, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल कंबशन की बात करोगे, फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन की बात करोगे, तो जो एक एक्सटर्नल टैंक होता है जिसको एक्सटर्नली हीट किया जाता है यूजिंग कोल और सम अदर मेथड्स, तो वो हीट सोर्स हो जाएगा। और जो स्टीम है स्टीम इंजन के केस में, वो वर्किंग सब्सटेंस होगी। यहाँ पर इंटरनल में क्या होता है, पेट्रोल गैसोलिन जो है वो कॉम्बिनेशन ही वर्किंग सब्सटेंस की तरह भी काम कर रहा है, वही हीट सोर्स की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। अब वो वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो वर्क एज अ मैकेनिकल वर्क दे देगा, और बचा हुआ जो हीट है दिस इज हीट रिजेक्टेड, तो ये हीट सिंक को जाएगा। अपने टू व्हीलर के इंजन के केस में जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो यहाँ पर जाएगी हीट सिंक में, और हीट सिंक क्या होगा, अपना जो एटमोसफेयर है वो हीट सिंक की तरह काम करेगा। फिर अगर आप अपने व्हीकल में देखते हो तो वहाँ पर जो आपका एग्जॉस्ट का पाइप होता है, इट सेल्फ इज अ हीट सिंक, तो वो सारी चीज़ें हीट सिंक के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इंजन जो है ये काम करता है। तो अभी हम लोग इसका क्या करते हैं, पीवी डायग्राम थोड़ा सा देख के इसे समझते हैं। यहाँ पर आपके बुक में जो दिया है वो नोटेशंस यूज कर रहा हूँ। तो ये जो QH है, देख लेते हैं यहाँ पर इन लोगों ने क्या दिया है। आपके बुक में थोड़ा सा डायग्राम डिफरेंट मिलेगा, ये ऐसा कुछ तो डायग्राम है आपके बुक में, ठीक है। तो गो थ्रू दैट डायग्राम, सेम सिचुएशन है, हीट रिजर्वर है, इसका हाई टेम्परेचर होगा, और ये सिंस सिंक है, कोल्ड रिजर्वर है, सिंक का मतलब होता है जहां पर वो हीट को खींच सकता है, तो ये लोअर टेम्परेचर पे होगा, तो इसको TC बोला है उन लोगों ने, कोल्ड रिजर्वर, ये हॉट रिजर्वर है, ठीक है। रिजर्वर का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो हमें सप्लाई कर सकती है हीट, और ये कोल्ड रिजर्वर मतलब ऐसी ही चीज जो हीट को खींच सकती है, इसलिए मैंने सिंक और सोर्स यूज किया है नाम, ठीक है। तो यहाँ पर से हीट जो आएगी वो QH आएगी, आउटपुट हीट जो होगी वो अपने बुक के हिसाब से QC दिया है, और बचा हुआ जो होगा वो वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब वर्क डन कितना होगा, तो हम लोग बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएंगे, तो यहाँ से लेट अस से 100 जूल ऑफ हीट लिया, ठीक है, 40 जूल ऑफ वर्क कर दिया,
तो बचा कितना 62 जूल बचा, जो यहाँ जाएगा 60 जूल यहाँ जाएगा। तो अगर मैथमेटिकली करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीट टेकन इक्वल टू वर्क डन प्लस ये हीट रिजेक्टेड। तो इस पे से हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला बना सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू एच माइनस क्यू सी, देख लो ठीक है। आपके बुक में इसी फॉर्मूला को ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ साइन कन्वेंशन की कोई बात नहीं की, कौन सा टेकन है कौन, अगर हीट टेकन है तो जनरली हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, हीट रिजेक्टेड को नेगेटिव लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेंगे तो ये फॉर्मूला में थोड़ा सा प्लस माइनस का चेंजेस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो वो बुक में दिया है आपको प्लस माइनस में कैसे आता है। सो एनीवेज हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ कंसिस्टेंट फॉर्मूला है ठीक है। साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर मॉड दिया। दिस मॉड इंडिकेट्स, दिस मॉड ऑफ क्यू एच इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड, हम साइन कन्वेंशन ना लेते हुए अगर लिखे तो हीट ये कौन सी है टेकन, ये टेकन है या फिर एब्जॉर्ब्ड है फ्रॉम रिजर्वर ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला ठीक है। अब देखो ये जो इंजन है, ये पार्ट में इंजन होता है ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस इंजन के अंदर ही है। तो ये जो इंजन है, ये पूरा कलेक्टिवली इंजन सोचो, कुछ तो हीट ले रहा है, उसमें से कुछ पार्ट वर्क में दे रहा है और कुछ पार्ट वेस्ट कर रहा है, ये हीट वेस्टेड है ठीक है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली डिजायर्ड, व्हाट वी वांट इज पूरा हीट ले लो, पूरा का पूरा वर्क कर दो। बट एज फार एज द प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न, अपना सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि 100% हीट का आप वर्क में कन्वर्जन कभी भी नहीं कर सकते। एज फार एज द सेकेंड लॉ इज कंसर्न, कुछ पार्ट जो होगा वो आप कन्वर्ट कर पाओगे एज हीट, लेकिन बचा हुआ जो पार्ट होगा वो वेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट इटसेल्फ ठीक है। सम पार्ट ऑफ द हीट टेकन इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड द रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी लेफ्ट और मस्ट बी वेस्टेड ठीक है। तो ये अपना सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट मिल जाएगा बुक में, गो थ्रू दैट स्टेटमेंट ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, एफिशिएंसी, इस तरफ लिखते हैं एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अच्छा एफिशिएंसी का इन जनरल मीनिंग क्या होता है, इन जनरल मीनिंग, फिर हम लोग फिजिक्स वाला मीनिंग देखेंगे। इन जनरल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर एफिशिएंसी देखेंगे तो हमने क्या इनपुट दिया उसके बदले हमें क्या आउटपुट मिला। सो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बोल सकते हैं, इसको हम लोग सॉरी एफिशिएंसी बोल सकते हैं। एफिशिएंसी के लिए यहाँ पर इंजन की एफिशिएंसी की बात हो रही है, सिंबल ये वाला है ग्रीक लेटर ईटा, ये क्या है, दिस इज ग्रीक लेटर ईटा ठीक है। तो आउटपुट अपन इनपुट, अब यहाँ देख लो व्हाट इज डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट इज वर्क डन, हमें क्या चाहिए था इंजन से, हमें मैकेनिकल वर्क चाहिए था। तो यहाँ पर आउटपुट की जगह क्या आ जाएगा, मैकेनिकल वर्क डन ठीक है। और इनपुट में क्या आएगा, हमने लिया क्या, तो हमने लिया हीट QH, QH इज हीट टेकन फ्रॉम द हॉट रिजर्वर ठीक है, या फिर जो भी हमारा सोर्स था उससे हमने हीट लिया, सो दैट विल बी दिस QH और वर्क डन ये आउटपुट है। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, अगर ये वाला यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा, देखो ये भी लगा सकते हैं ये भी लगा सकते हैं, तो मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ठीक है ये यूज कर लेते क्योंकि अपने को W चाहिए तो यही यूज करते हैं। यहाँ पर भी मैं मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ, सिंस दीज टू फॉर्मूला आर सेम, तो क्या आ जाएगा क्यू एच माइनस क्यू सी, याद रखना मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, डिवाइड बाय क्यू एच। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, क्यू एच डिवाइड कर दूं, ये मैग्नीट्यूड है, सो दीज आर प्योर नंबर्स, सो क्यू एच अपन क्यू एच बन हो जाएगा माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच ऐसा ठीक है। ये हो गया आपका एफिशिएंसी, इस पर बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला पर बेस, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस पर इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन आता है। क्यू सी क्या है, हीट टू द सिंक, क्यू एच क्या है, हीट टेकन ठीक है, क्यू सी है हीट टू द कोल्ड रिजर्वर, क्यू एच है हीट टू द हॉट रिजर्वर।
और इन दोनों का जो रेशन आएगा उसको वन में से माइनस कर देंगे, दैट विल गिव यू द वर्क डन। ठीक है, आपके बुक में भी मिल जाएगा, इक्वेशन 4.25 यही दिया है। ठीक है, अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इफ दीज टू आर इक्वल, मतलब जितना हीट लिया उतना ही अगर दे दिया, तो दिस टर्म दिस रेशियो विल बी वन, वन माइनस वन जीरो, एफिशिएंसी जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट डिजायर्ड। व्हाट वी वांट इज एफिशिएंसी 100%। कब 100% एफिशिएंसी होगी सोचो, तो अगर मेरी ये टर्म जीरो हो जाए, ये टर्म कब जीरो होगी, इफ क्यू सी जीरो, मतलब अगर मैंने बिल्कुल ही हीट वेस्ट नहीं किया, मेरे इंजन ने अगर हीट वेस्ट बिल्कुल ही नहीं किया, इफ दिस क्यू सी जीरो, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा हीट आया और वर्क में कन्वर्जन हो गया, उस केस में ये टर्म जीरो और ये एफिशिएंसी 100%, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, थ्योरेटिकली तो हम फॉर्मूला में देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस फ्रॉम लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सेकंड लॉ हमें क्या बोलता है कि हम लोग 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्जन कभी भी नहीं कर सकते। सो देयर इज नो प्रोसेस एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स whose sole output is conversion of heat from heat to mechanical work। ठीक है, तो सिर्फ हीट का मैकेनिकल वर्क में ही एज इट इज आउटपुट लेना इम्पॉसिबल है। ये हो गया एक स्टेटमेंट। दूसरा, अगर आप लॉजिक से देखोगे तो हायर टेम्परेचर से हीट हमेशा लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, ये भी हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोअर टेम्परेचर से हीट को रिवर्स लेके जा सके, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अगर यही सिचुएशन से जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा सा अगर हम लोग मॉडिफाई कर दे, देन वी कैन अचीव द रिवर्स प्रोसेस। मतलब हम लोग लोअर टेम्परेचर पे कोई चीज़ है उससे हीट लेके हायर टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट करवा सकते हैं, इफ़ वी रिवर्स दिस वर्क डायरेक्शन। तो अगर मैं वर्क का डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, तो मैं लोअर टेम्परेचर का जो भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, ठीक है, लोअर टेम्परेचर। अब इसको सोर्स या सिंक की तरह मत सोचो, दिस इज लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, इससे मैं हीट निकाल के ऊपर दे सकता हूँ हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट को। ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? व्हेन वी रिवर्स दिस डायरेक्शन ऑफ वर्क। और ये जो प्रोसेस मैंने अभी बताया जहाँ पर रिवर्स में हीट जा रहा है, तो दैट प्रोसेस इज आइदर हीट पंप और बेसिकली रेफ्रिजरेटर। एक तो हीट पंप या रेफ्रिजरेटर में ये इस तरह से हो सकता है। अब ये क्या है, इन दोनों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, पहले इसको और थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं इंजन को। अभी मैंने जो बताया कि यहाँ से हीट लिया, मैकेनिकल वर्क किया, बाकी हीट छोड़ दिया, दिस इज वन साइकिल। ठीक है, कभी भी हम लेट अस से मैंने गाड़ी चलाया, मेरा इंजन ऑन हुआ, उसने हीट खींचा, जैसे कि हमारे इंजन के अंदर फ्यूल आया, जला, उससे वो जो फ्यूल था उसमें एक्सपांशन वगैरह हुआ, पिस्टन घुमा, मेरा व्हील जो है वो उसने एक रोटेशन किया लेट अस से उस सारी प्रोसेस से, तो क्या उससे मैं मेरा काम बन जाएगा? नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे कंटिन्यूस आउटपुट चाहिए वर्क का। इसका मतलब मुझे कंटिन्यूस यहाँ से हीट लेनी होगी और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलते रहेगा, रिपीटेटिव होगा। सो दिस प्रोसेस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब हमें ये साइकिल में चलना है वापस से, पहले हीट लेंगे, फिर वो वर्किंग सब्सटेंस हीट खींचेगा, फिर वो वर्क करेगा, बचा हुआ वेस्ट करेगा, ये हो गया वन साइकिल, फिर वापस से हीट लेगा, फिर वापस वर्क करेगा, वापस से वर्क करेगा, वापस से वेस्ट करेगा, फिर वापस से वही होगा। सो दिस विल रिपीट वन आफ्टर द अदर एंड अगेन 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 अगेन। कब तक चलेगा? जब तक मुझे उसमें से मैकेनिकल वर्क चाहिए तब तक ये प्रोसेस चलेगा। सो दिस इंजिन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स वर्क इन साइकिल्स, और ये एक साइकिल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइकिल्स एक के बाद एक होते रहते हैं। ठीक है, अब ये साइकिल्स को मेजर करते हैं आरपीएम में। आपका जो इंजन होता है उसका साइकिल्स मेजर होता है आरपीएम में। व्हाट इज आरपीएम? इट इज रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आपके व्हीकल के अंदर ये आरपीएम का एक मीटर होता है, जब भी इंजन ऑन करोगे तो ये आरपीएम का मीटर कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा दिखाता है। ठीक है, और जितना ही आपका स्पीड आपको इंजन का बढ़ाना है, आप एक्सेलरेटर लगाओगे तो आप कर क्या रहे हो, ये आरपीएम बढ़ा रहे हो। आरपीएम बढ़ा रहे हो मतलब ये इसके साइकिल्स को फास्ट कर रहे हो, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो ड्रॉ कर रहे हो क्योंकि आपको वर्क ज्यादा चाहिए। ठीक है, एक याद रखना, एफिशिएंसी जो होता है इंजन का, ये कभी भी 100% नहीं हो सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100% फॉर एनी रियल इंजन। ठीक है, प्रैक्टिकली 40% के आसपास जो है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये, इसके नियर अबाउट हमारे व्हीकल्स का एफिशिएंसी होता है। ठीक है,
जो अपना फोर स्ट्रोक इंजन की बात हम लोग करते हैं ना, हमारे व्हीकल के अंदर जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी, टिपिकल एफिशिएंसी इस रेंज के आसपास होती है। एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू, आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाएगी आप अगर नेट पे सर्च करोगे अलग अलग इंजन की, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो इट इज अराउंड दिस। ठीक है, इसी के अराउंड होती है वैल्यू। और देखते हैं हम आगे, यहां पर ना बच्चों एफिशिएंसी का ये जो फॉर्मूला है ईटा इक्वल टू 1 माइनस क्यूसी अपॉन क्यूएच, यहां पर मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है। एक लॉजिक से सोचो, जो हीट है वो और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगेन उसका मैं मैथमेटिकल इक्वेशन यहां नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं ये लॉजिक लेके चलूं तो यहां पर 1 माइनस ये इसकी जगह टेम्परेचर ऑफ T2 बाय T1 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये कोल्ड टेम्परेचर, ये हॉट टेम्परेचर है ना, ये TC लिख देते हैं, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर, ऐसा आप लिख सकते हो इसको, इसी फॉर्मूला को, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमें टेम्परेचर दे देते हैं सिस्टम का और पूछते हैं एफिशिएंसी निकालो कि हॉट रिजर्वर ये टेम्परेचर पे था, कोल्ड रिजर्वर ये टेम्परेचर पे था, तो अभी इंजन का एफिशिएंसी निकालो, ठीक है। यहाँ पर एक याद क्या रखना है, सिंस एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100% है ना, ये 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो 1 है उससे ये वाली टर्म छोटी होगी, ये वाली टर्म छोटी होने का मतलब ये जो टर्म है दिस शुड बी हायर टेम्परेचर और ये जो है ये शुड बी लोअर टेम्परेचर। याद रखना दीज आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन स्केल में टेम्परेचर मेजर होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला भी है, न्यूमेरिकल्स में हमें यूजफुल है। ओके, और जाते आगे। अच्छा, अभी पीवी डायग्राम में भी हम इंजन को समझेंगे, अपने बुक में अलग अलग से दिया है हर चीज को। तो पीवी डायग्राम में जनरली टिपिकल इंजन जो है, मैंने एज प्रीवियसली बताया था कि इट वर्क्स ऑन साइकल्स, तो इसमें इस तरह का कुछ एक आइडियल साइकिल दे रखा है, ठीक है। अगेन हम लोग एक एक केस लेंगे अगर अपने बुक में होंगे तो, कौन से इंजन के लिए कैसा साइकिल है। सो ये इस तरह का पीवी डायग्राम बनता है, ये टिपिकल साइकिल है। जरूरी नहीं है कि हर इंजन इसे फॉलो करे, ऐसा ही हो हर एक इंजन का ग्राफ, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक इंजन का ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसा हमने बनाया है, ठीक है। सो दिस इज अ टिपिकल पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, ये ए पॉइंट है। अपने बुक में से ही मैं कॉपी कर रहा हूं, आप डायग्राम पेज नंबर 98 पर देख सकते हो, ठीक है। बुक में से ही एक्सप्लेन करूंगा आपको ये चीज, ठीक है। टिपिकल केस लिया है इसलिए, ये टेम्परेचर एच है, याद रखना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट्स अ स्लोपिंग लाइन, एंड दिस इज अ कर्व, ठीक है। कुछ पॉइंट्स याद रखना, डायग्राम आप बुक में देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम देखनी है तो। दिस इज लोअर टेम्परेचर, दिस इज हायर टेम्परेचर, और एरो जो है वो प्रोसेस का ऐसा दे रखा है, ठीक है। और भी कुछ चीजें देख लेते हैं, यहाँ पर ये प्रेशर है। अच्छा, अब मैं बाकी की चीजें लिख नहीं रहा हूँ, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कैसे काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद पॉइंट ए, है ना, लेट अस से हमारा इंजन यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर अगर देखोगे वॉल्यूम जो है ए से बी, देख लो एरो बी की तरफ है, मतलब ए से बी जा रहा है प्रोसेस, तो ए से बी जब प्रोसेस जा रहा है वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट बट द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। थोड़ा सा याद कर लो, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सिंस वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है देर इज नो डी डब्ल्यू, और स्टिल प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन का काम चल रहा है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हीट एब्जॉर्प्शन नहीं बोल सकते क्योंकि लोअर से हायर जा रहा है, हाँ ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन ही बोलेंगे, हमारा वर्किंग सिस्टम जो है वो हीट अप हो रहा है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं बुक में क्या दिया है। सही है, दिस इज, मैं हीट एब्जॉर्प्शन को क्यू एब्जॉर्प्शन लिख रहा हूँ, क्यू एब्जॉर्प्शन, यहाँ जगह नहीं है ज्यादा तो समझ लो,
ठीक है, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी क्योंकि लोअर से हायर टेम्परेचर जा रहा है। अब यहाँ देखो बी से सी वॉल्यूम जो है ये बढ़ रहा है, सो देयर इज एक्सपेंशन, मतलब वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, देयर इज वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ओके सो और प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, सो देयर इज वर्क डन, सिंस एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन ले सकते हो या फिर वर्क डन बाय गैस ले सकते हो बाय इंजन। हम लोग गैस की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, इंजन की बात करेंगे क्योंकि इंजन जो है वो वर्क डन कर रहा है और उसी के अंदर ऑब्वियसली गैस है, वर्किंग सबसे जनरली गैस होता है ज्यादातर केसेस में। फिर यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, वर्क डन वापस से जीरो हो जाएगा, डी ओ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो भी हीट है उसका टेम्परेचर में कन्वर्जन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो यहाँ पर हायर से लोअर जा रहा है, सो हीट क्यू इज रिजेक्टेड, यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है क्योंकि टेम्परेचर देखो हायर से लोअर पे जा रहा है, ये वर्किंग सब्सटेंस के साथ हो रहा है और ऑब्वियसली इंजन के अंदर ही है इसलिए इंजन के साथ भी यही हो रहा है। फिर यहां से यहां गया, देखो वापस से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन मतलब वर्क वापस से होने वाला है, वर्क डन, ठीक है, यहाँ पर वर्क डन होगा, कौन करेगा, ऑन द गैस होगा, हम गैस ही लिख लेते हैं क्योंकि ऑन द इंजन ये गलत वर्ड है ना, ऑन द गैस लिखते हैं और यहाँ बाय द गैस लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरफ वर्क डन हो रहा है और दो तरफ हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज हो रही है, तो इस तरह से ये एक साइकिल हुआ। हम लोग कहाँ पहुंच गए, ये इनिशियल पीवी वैल्यूज पे पहुंच गए, फिर वापस से सेम प्रोसेस होगी, इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगा। अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ जो भी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है शेप उसका ए बी सी डी के अंडर जो भी एरिया होगा वो है ना, तो एरिया इनक्लोज बाय बी सी डी। सीक्वेंस देख लो, क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क होने वाला है, हर साइकिल में पॉजिटिव वर्क होगा, अगर 1000 साइकिल हो गए तो 1000 टाइम्स वर्क बढ़ जाएगा, ठीक है, सो हर साइकिल में सेम वर्क होने वाला है यहाँ पर, सो दिस इज आइडियलिस्टिक कंडीशन ऑफ टिपिकल हीट इंजन, ठीक है, आइडियल पीवी डायग्राम बनाया हमने, यही सर आपके बुक में एक्सप्लेन किया है, गो थ्रू दैट। अब हम लोग रेफ्रिजरेटर पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये हटा देता हूँ सारा, ठीक है, इसमें अगर कुछ दिक्कतें आती है, पहले तो ये टॉपिक अभी मैंने पढ़ाया है, आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक से यही चीज पढ़नी है, सेम मैंने टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही पढ़ा है, कुछ अपना मन का नया नहीं पढ़ा है, उसमें से पढ़ना है पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, एच सी वर्मा सर का जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उससे भी ये टॉपिक अपस से आपको रिपीट पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक इसलिए मैं दो बार पढ़ने बोल रहा हूँ, ओके, और फिर अगर कुछ दिक्कतें आती है, डाउट्स आते हैं तो यू कैन आस्क मी, है ना, तब मुझे डाउट्स आप पूछ सकते हो। अभी हम लोग रेफ्रिजरेटर का फंक्शन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या फर्क है पहले ये समझना जरूरी है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ठीक है, बेसिकली इसका डायग्राम और जो फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ वो सेम है, लेकिन इसको दो नाम अलग अलग क्यों दिए वो मैं बता देता हूँ आपको। रेफ्रिजरेटर का क्या करता है, हमारे सबके घर में रेफ्रिजरेटर है, मेरे हिसाब से हमारे किसी के भी घर में हीट पंप्स नहीं है, तो पहले रेफ्रिजरेटर क्या है ये समझते हैं। तो एक ये हमारा जो फ्रिज होता है उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, तो ये एक कंपार्टमेंट जैसा सिस्टम है, ठीक है, डोर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, करता ये है इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनका टेम्परेचर, लेट अस से लो टेम्परेचर पे है क्योंकि अंदर ठंडा करना है हमें, ये अंदर से हीट को बाहर फेंकता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है तो हायर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर से हीट उठाकर हायर टेम्परेचर में देने का काम ये रेफ्रिजरेटर करता है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, अपने घर के अंदर होता है सभी के। अब ये क्या है, इसका भी काम सेम है लेकिन नाम अलग है, ये कहाँ यूज होता है पहले ये समझो, जो कोल्ड रीजन्स है, कोल्ड रीजन्स जैसे कि एंटार्क्टिका सोच लो, स्विट्जरलैंड सोच लो, ऐसी जगह जहां पर बहुत टेम्परेचर लो रहता है ऑल सीजन, ठीक है, तो ऐसी जगह पे ऑब्वियस बात है घर के अंदर हमें गर्मी की जरूरत पड़ती है, तो पुराने टाइम में क्या यूज होता था, वहां पर फायरप्लेस लगते थे घर के अंदर, लकड़ी वगैरह जला के फिर वो चिमनी से धुआं निकलता था, वो सारा पुराना तरीका हो गया। अभी लेटेस्ट तरीका क्या है, दे यूज हीट पंप, तो हीट पंप का काम क्या है, लेटेस्ट ये अपना हाउस है, हम लोग स्विट्जरलैंड में रहते हैं ऐसा सोच लो, इमेजिन तो कर ही सकते हैं, ठीक है, अब सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव में होता है, सो लेट अस से दिस इज लो टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है जो कि हमें
हीट करना है, तो इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए इससे, और इसके लिए क्या करना होगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हमें हीट को सप्लाई करना होगा। ऑब्वियसली नेचुरली हाई से लो जाती, लो से हाई, नेचुरली हीट नहीं जा सकती है, एंड दैट्स व्हाई यहां पर एक हम लोग हीट पंप का यूज करेंगे। हीट पंप का यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू लुक एट द सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को फ्लो किया जा रहा है, लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को फ्लो किया जा रहा है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक ही चीज है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग अलग है। रेफ्रिजरेटर का काम है चीजों को ठंडा करना, ठीक है। हीट पंप का काम है जो घर है उसको गर्म करना। गर्म कैसे करेगा, तो बाहर से हीट लेके गर्म करेगा, बाहर ठंडा है ऑलरेडी, है ना। तो ये कोल्ड रीजन्स में जैसे कि स्विट्जरलैंड है, एंटार्क्टिका है, ऐसी जगह जहां पर ऑल सीजन ठंडी रहती है, नेगेटिव टेम्परेचर रहता है, तो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग डिवाइसेस है ये दोनों, और मैथ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का डिजाइनिंग जो है, ब्लॉक डायग्राम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और हाँ, एक और रहेगा एसी, है ना, एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, ये सारे एक तरह से काम करता है, ठीक है, एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, एक ही उसका जो साइक्लिक प्रोसेस है वो एक जैसा रहता है। क्या है, देखो कैसे काम करता है ये, तो ठीक है, मैं इसका ना बुक जैसा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं अपने मन से बना देता हूं। प्रिंसिपल सेम ही है, ये मेरा कोल्ड रिजर्वायर है, यहां पर वर्किंग सब्सटेंस रहेगा हमारा, वो किसके अंदर रहेगा, वर्किंग सब्सटेंस एक तो एसी में रहेगा या रेफ्रिजरेटर में रहेगा या हीट पंप में रहेगा। तो इनके अंदर कुछ गैसेस और कुछ ऐसे मटेरियल यूज होता है, पहले सीएफसी यूज होता था, तो अभी अलग अलग टाइप के गैसेस यूज होते हैं इन डिवाइसेस में एज वर्किंग सब्सटेंस। ये वर्किंग सब्सटेंस करता क्या है, उसका काम है यहां से हीट लेना कोल्ड रिजर्वर से, इट इज एट लो टेम्परेचर, लेट अस से टेम्परेचर सी, कोल्ड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर, यहां से इसको हीट देना किसे, हॉट रिजर्वर को, मतलब कि हॉट रिजर्वर। हम लोगों को यहाँ पर रिजर्वर की जगह ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए वर्ड, बट ठीक है, हम लोग फिजिक्स वाले वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर। और ये करने के लिए, क्योंकि हम हीट को लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं, लो टेम्परेचर से कोल्ड से हॉट पे लेके जा रहे हैं, वी विल रिक्वायर सम मैकेनिकल वर्क एक्सटर्नली, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर हमारे सबके घर पे है, तो मैं रेफ्रिजरेटर एक्सप्लेन करता हूँ। रेफ्रिजरेटर के अंदर ये फ्रीजर वाला पार्ट है, फ्रीजर कंपार्टमेंट, मैंने पानी रखा हुआ है, ठीक है, और मुझे उसका बर्फ बनाना है। तो पानी रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर शुरुआत में तो रूम टेम्परेचर के बराबर ही है। अब जो वर्क क्या होगा, तो उस रेफ्रिजरेटर के अंदर, अब अंदर कैसा मेकेनिज्म होता है वो भी आपके बुक में दिया हुआ है। इस तरह के कुछ कॉइल्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअली ट्यूब्स होते हैं, दीज आर नॉट कॉइल्स बट ट्यूब्स। यहाँ पर एक्सपांशन वाल होता है, यहाँ पर कंप्रेसर होता है, ठीक है, और इस तरफ से कुछ इसी तरह के कॉइल्स होते हैं। ये हॉट वाला पार्ट, ये कोल्ड वाला पार्ट, इस तरह का है, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। बुक में कहाँ पर है, पेज नंबर 99 पर ये वाला डायग्राम मिलेगा। मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया, ठीक है, ये इवेपोरेटर कॉइल बोलेंगे हम इसको, इवेपोरेटर कॉइल। आप अपने फ्रिज के पीछे देख सकते हो, ऐसा कुछ तो ट्यूब्स लगी रहती है, एक्चुअली ऐसी रहती है, दीज आर लाइक दिस स्नेक जैसी ट्यूब्स लगी रहती है। मैंने बहुत अच्छी नहीं बनाई, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। और यहाँ पर कंडेंसर, ये हॉट रीजन है, कंडेंसर बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है, ये हॉट रीजन रहती है, ठीक है। और इसको यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, सिंस इट इज कंप्रेसर, कंप्रेसर यहाँ पर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर लो प्रेशर होगा, ठीक है। ये एक्सपांशन वाल्व है, ज्यादा टेक्निकल चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, मैं इसका वर्किंग समझा दूंगा तो समझ जाएगा आपको कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और ये एरोज भी दे दिए हम लोगों ने, यहाँ से ऐसे जाके, फिर इधर से ऐसे जाके, फिर इधर से ऐसे घूम के वापस आ रहा है, ठीक है। अब कैसे काम हो रहा है देखते हैं। ये वर्किंग सब्सटेंस है इन सारी ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। तो एक गैस होता है, पर्टिकुलर गैस या कुछ कंपाउंड्स यूज करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स,
बेसिकली गैस ही होता है। यहां से ये हमारा जो कोल्ड रिजर्व है, ये हमारा फ्रीजर है, उसके अंदर पानी है, तो ये करेगा क्या, वहां से पानी को, पानी का जो हीट है वो लेगा, ठीक है, इसके अंदर जाएगा, ठीक है, सिंस लो प्रेशर पे है, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, तो उसका प्रेशर बढ़ा देगा, और प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ उस जो गैस है उसको फोर्सफुल कंडेंस करेगा। फोर्सफुल कंडेंसेशन का मतलब ये होता है, पहले तो क्या हो रहा है, उसका प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशराइज कर दिया, फिर उसको फोर्सफुली कंडेंस कर दिया। जब ये पूरा प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में जो गैस है इट लिबरेट्स हीट, ये हीट को लिबरेट कर देता है। सिंस ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो कॉइल है, ये फ्रिज के बाहर है, तो फ्रिज के बाहर है मतलब वो कहाँ पर है, सराउंडिंग्स में है, तो इसका रियलिटी में ऐसा होता है, रियलिटी में देख लो, रियलिटी में कैसे काम होगा, मैं अभी टेम्परेचर्स की वैल्यू लेके बताता हूँ। ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, इसका अंदर लेटस है, शुरुआत हो रही है, अभी हमने स्टार्ट किया तो दोनों का अंदर और बाहर का टेम्परेचर सेम है, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन ले लेता है, 300 केल्विन अंदर है, 300 केल्विन बाहर है, ठीक है, 300 केल्विन पे हमने पानी रखा हुआ है अंदर। अब होगा ये, यहां से कुछ हीट उठा के बाहर फेंक देगा वो इस प्रोसेस से, ठीक है, होगा क्या वो भी देख लो, वर्किंग सब्सटेंस भी देख लेते हैं इसके साथ। ये मेरा वर्किंग सब्सटेंस है, लेटस है, वर्किंग सब्सटेंस को मैं एस लिखता हूँ। तो सिंस ये इसके अंदर है, इन सब का इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो ये भी 300 केल्विन पे है, ठीक है, ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देखना, ये इसके कांटेक्ट में है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अभी अभी ये अंदर है, देख लो, ठीक है, तो ये अंदर होने की वजह से इन दोनों का कांटेक्ट चल रहा है, तो इन दोनों का टेम्परेचर बराबर है 300 केल्विन। अब क्या हुआ, ये गए लोग यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर के अंदर इसको जैसे ही पुश किया, अगेन पंप वगैरह से इसको पुश किया जा रहा है, तो ये इसके अंदर जाते ही क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो अब ये यहाँ से बाहर निकला है, 300 केल्विन का ही टेम्परेचर बाहर निकला है, यहाँ पर बाहर निकलते ही इसको कंप्रेस किया जा रहा है और उसके साथ कंडेंस किया जा रहा है, तो मतलब ये गैस को लिक्विड में फॉर्मेट किया जा रहा है, गैस है, गैस को सडनली ऐसे कंप्रेस किया इस तरह से एकदम तेजी से, तो उससे क्या होगा, गैस जो है वो कंडेंस भी हो जाएगा, ठीक है, कंडेंसेशन होगा गैस के अंदर, और उसकी वजह से जो गैस है उसका शुरुआत में टेम्परेचर 300 था, जब गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस करेंगे इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, और लेटर से ये 400 केल्विन हो गया, ठीक है, तो अब सोचो क्या हुआ, 400 केल्विन पे ये है जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, और ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग 300 केल्विन पे है, सो ऑब्वियस बात है, नेचुरली ये जो हीट है 400 केल्विन टेम्परेचर में, मतलब इसमें ज़्यादा हीट है अभी सराउंडिंग के कंपेरिजन में, तो यहाँ से क्या होगी, देर विल बी हीट फ्लो फ्रॉम द सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस टू द सराउंडिंग, तो इसने यहाँ से हीट लिबरेट करना चालू कर दिया, जैसे ही इसने हीट लिबरेट किया इसकी नेट हीट कंटेंट जो है वो कम हो गई, इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई, ऑब्वियस बात है इंटरनल एनर्जी कम हुई, मतलब इसका टेम्परेचर फॉल हुआ। अब क्या हुआ, ये 300 केल्विन हमारा सराउंडिंग रहेगा हमेशा, ठीक है, सिंस एक ग्लास पानी से मैं पूरे एटमॉस्फेयर को हीट अप नहीं कर सकता, तो हम अजम्पशन ये करेंगे कि बाहर का टेम्परेचर हमेशा 300 केल्विन पे सेट रहेगा, दिस इज आइडियल कंडीशन जो हम अज्यूम कर रहे हैं, तो अब ये 400 केल्विन से वापस से कम टेम्परेचर पे आ जाएगा, लेट अस से ये वापस 300 केल्विन पे आ गया, इसने और इसने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया, 300 केल्विन पे आ गया, तो इसने यहाँ हीट रिलीज किया, हीट रिजेक्टेड, किसको रिजेक्ट किया, सराउंडिंग को, ठीक है, अब ये 300 केल्विन का जो है वो इसके अंदर वापस जाने वाला है, जाते वक्त वो यहाँ से जाएगा एक्सपांशन वॉल से, एक्सपांशन वॉल से जाएगा, तो एक्सपांशन वॉल करेगा क्या, उसी गैस को जो ऑब्वियसली कंप्रेस थी यहाँ पर उसको एक्सपांड कर देगा, और कैसा एक्सपांशन होगा, सडन ऐसे ब्लास्ट की तरह एक्सपांशन होगा, जैसे ही एक्सपांड होता है, ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपांशन होने वाला है, तो ये जो यहाँ से अंदर जाते ही एक्सपेंशन होगा, तो गैस जो है वो कूल डाउन हो जाएगा। अब कूल डाउन होते वक्त पिछली केस में वो 300 पे था, लेकिन अभी उसने पिछली केस के कंपैरिजन में हीट को और रिलीज कर दिया, तो यहाँ पर कूल डाउन होते वक्त वो 300 से नीचे जाएगा, तो लेट अस से ये 200 केल्विन पे चला गया। अब ये यही वर्किंग सब्सटेंस जो 300 पे था, ये कहाँ पर चला गया है, ये 200 केल्विन पे चला गया है, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 200 केल्विन पे चला गया है, इसको रहने दो, ठीक है, तो एक्सपेंशन हुआ, वर्किंग सब्सटेंस 200 केल्विन पे आ गया। अब हमारा पानी देखो कितने पे था, 300 केल्विन पे था,
वर्किंग सिस्टम्स 200 केल्विन पे, तो यहाँ ये पानी जो था उससे हीट ड्रॉ करना चालू कर देगा, वर्किंग सिस्टम हमारा पानी से हीट खींचना चालू कर देगा और एंड ऑब्वियसली पानी ठंडा हो जाएगा। लेट अस से पानी को 200 केल्विन तक उसने ठंडा कर दिया, ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, 200 से कम टेम्परेचर पे जाता है, मतलब लेट अस से 300 था पहले तो 250 के करीब नीचे आएगा, बट मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, 200 ले लिया। अब पानी का टेम्परेचर हो गया 200 केल्विन, ये रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है, इसको राउंड नहीं करते, और मेरा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो भी लेट अस से 200 केल्विन पे है। अब वापस क्या होगा, ये जाएगा बाहर, ठीक है, बाहर जाते हो वापस से उसको क्या किया, कंप्रेस कर दिया, है ना, कंप्रेस कर दिया इसने बाहर जाते वक्त कंप्रेसर ने, और हाई प्रेशर और वापस से उसको कंडेंस कर दिया, तो ये यहाँ पर टेम्परेचर वापस से 400-500 केल्विन हो जाएगा, जो भी होना है वो हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा वापस से, दिस विल रिलीज द हीट, वापस से 300 केल्विन पे आएगा, वापस से यहाँ पर एक्सपेंशन वाल उसको और लोअर टेम्परेचर पे लेके जाएगा, तो 200 की जगह ये और लोअर टेम्परेचर लेकर से 100 पे चला गया, तो ये प्रोसेस चलते रहेगा। इन ईच प्रोसेस अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी। अभी नेट इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट में इसका टेम्परेचर धीरे 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 300 से 200, 200 से 100, 100 से और नीचे, ऐसे ये कूल डाउन हो रहा है। इन रिटर्न ये जो 300 केल्विन था ये एक्चुअली बढ़ना चाहिए, बट सिंस इट इज एटमॉस्फेयर तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सो एक्चुअली यहाँ से हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हमने फ्लो करवा दी, ठीक है, यूजिंग दिस मैकेनिज्म, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, या फिर इसको एयर कंडीशन बोल सकते हो, हीट पंप भी बोल सकते हो। हीट पंप के इसमें क्या होता, सिर्फ ये रेफ्रिजरेटर की जगह ये वाला हमारा घर होगा और ये वाला हमारा एक्सटर्नल पार्ट होगा, और बस ये सिस्टम उल्टा हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो रहता है एक टर्म यूज होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये वाला टर्म यूज होता है यहाँ पर, परफॉर्मेंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन इंजिन्स, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ठीक है, तो उसी के एनालॉगस ये टर्म है। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अपने बुक में दिया है, क्या देखते हैं, हाँ मिल गया, सो इसको इन लोगों ने के सिंबल यूज किया है, अलग अलग बुक में अलग सिंबल होता है, तो मैं अपनी बुक वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के इज क्यू सी डिवाइड बाय वर्क, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ सोच लो क्यू सी क्या है, हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड रिजर्वर, हीट गिवन टू हॉट रिजर्वर। तो अभी देखो इनपुट क्या है, ये एक्चुअली इनपुट वर्क है, आउटपुट क्या है, इसमें से कितनी हीट खींची जाएगी, ये आउटपुट है, ठीक है, व्हाट वी वांट इज टू टेक और ड्रॉ हीट फ्रॉम दिस विच इज क्यू सी, तो ये मेरा आउटपुट है, और इनपुट क्या है, इसको करने के लिए मुझे वर्क लेना पड़ेगा कहीं से, बाहर से, अपने रेफ्रिजरेटर के केस में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो वर्क कर रहा है, वो एक्सटर्नल एनर्जी है जो हमें मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ से हीट लेना ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है, सो दिस इज आवर आउटपुट, ये है हमारा इनपुट, सो आउटपुट अपॉन इनपुट वापस से वही क्यू सी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, अगेन साइन कन्वेंशन के बिना हम लोग ये सिंबल लिख रहे हैं के इज क्यू सी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, इसको मॉड में लिख दो, अपने बुक में भी मॉड में लिखा हुआ है, वी आर नॉट कंसिडरिंग द साइन कन्वेंशन, और सेम लॉजिक लगाओ यहाँ पर, सेम लॉजिक लगाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्यू सी आएगा, मैग्नीट्यूड लेता है, वी विल नॉट कंसिडर द साइंस, आने वाला हीट को प्लस डब्ल्यू ले लेते हैं, आने वाला हीट, अगेन मैग्नीट्यूड, वर्क को मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है, रहने दो, और जाने वाला क्या हो जाएगा, लिख दो, चलो जाने वाला क्या हो जाएगा, क्यू एच, कंजर्वेशन सोचो, ये आया ये गया, तो जितना आया उतना ही जाएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से ये इक्वेशन आ गया, सो वर्क डन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू एच माइनस क्यू सी, है ना, ये यहाँ पर लिख देते हैं, सो मॉड ऑफ क्यू सी अपॉन वर्क डन की जगह लिख देंगे मॉड ऑफ क्यू एच माइनस, देख लो मैं सही कर रहा हूँ, मॉड ऑफ क्यू सी, देख लेते हैं बुक में एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं सब कुछ सही लिखा है क्या, फॉर्मूले नोट डाउन करना है, याद रखना है फॉर्मूले सारे, ठीक है,
इसके एक फॉर्मूला शीट भी बना लो, QC माइनस QH लिखा हुआ है, ठीक है करेक्शन कर देते हैं, दिस इज QC माइनस QH, वर्क डन इज QC माइनस QH, ठीक है एनीवेज ये हटा दो, बुक के हिसाब से याद रखो, अगेन कन्वेंशन हर एक बुक में अलग अलग होता है, तो हम लोग अपने बुक के हिसाब से फॉर्मूला याद रखेंगे। ओके जो ये के है ठीक है, इट इज डायमेंशनलेस नंबर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो एक से ज्यादा हो सकती है कुछ भी। सो अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी टिपिकल वैल्यू जो होती है, टिपिकल वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, टिपिकल वैल्यू है जो 5 के आसपास होती है, हमारा जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर होता है उसकी इसकी वैल्यू जो होती है के की वो 5 के आसपास होती है। एयर कंडीशनर की बात करोगे एसी, सेम प्रिंसिपल पे काम होता है ठीक है, और इसकी जो के की वैल्यू होती है वो 2.5 और 3 के आसपास होती है ठीक है, क्योंकि हमको घर को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है ना, हमें अपनी खुद की कुल्फी बनानी नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये जो वैल्यू है के की कम रहेगी। अच्छा आपने ये सुना होगा कि एसी जो होता है उसकी कैपेसिटी जो रहती है वो टन में रहती है ना, एक टन का डेढ़ टन का एसी होता है, तो वो क्या है वो आपको थोड़ा सा ढूंढना है, अपने टेक्सट बुक में मिल जाएगा उसके बारे में ठीक है। हीट पंप के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम प्रोसेस पे काम करता है, सेम प्रिंसिपल सेम प्रोसेस है सारा हीट पंप के लिए। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है अपने बुक में, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ठीक है, याद रखना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, उसके 7 से 8 अलग अलग स्टेटमेंट्स है, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने उसी को डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है ठीक है, जो अपने टेक्स्ट बुक में है वही आपको स्टेटमेंट लर्न करना है ठीक है। सो गो थ्रू दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ठीक है, तो वहां पर दिया क्या दिया आपके बुक में, इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अ हीट इंजन दैट कैन कंप्लीटली कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, ये आपके बुक में दिया हुआ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसी को एक्सप्लेन भी किया है। एनर्जी फ्लो डायग्राम जो होता है वो ये है, मैं वो भी बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ये सर ने पढ़ाया ही नहीं, तो मैंने जो अभी डायग्राम्स बनाए वो इस तरह के एग्जैक्ट नहीं बनाए, तो ये जो डायग्राम है दिस डायग्राम इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो डायग्राम। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर ये जो हीट विड्थ है, दिस विड्थ रिप्रेजेंट्स हीट टेकन, दिस विड्थ रिप्रेजेंट हीट रिजेक्टेड एंड दिस रिप्रेजेंट्स वर्क डन, तो कितना वर्क डन हुआ वो इसकी विड्थ के हिसाब से हमें समझेगा, ज़्यादा विड्थ मतलब ज़्यादा एनर्जी, कम विड्थ मतलब कम एनर्जी, और टेम्परेचर को वहां पर दिखाया जाता है ठीक है। यहां पर एक आप ठीक है ये सारा डिस्कशन पढ़ो, स्टेटमेंट आपको अलग अलग मिल जाएंगे, एक और मिल रहा है वहां पर बुक में स्टेटमेंट 102 पेज पे, क्या स्टेटमेंट है देखो मैं पढ़ रहा हूँ, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू एच फ्रॉम अ हॉट रिजर्वर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क, सम अमाउंट ऑफ हीट क्यू सी मस्ट बी एग्जॉस्टेड टू द कोल्ड रिजर्वर, दिस प्रोहिबिट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन या फिर परफेक्ट हीट इंजन हम लोग नहीं बना सकते, या फिर इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ परपेचुअल मशीन, परपेचुअल मशीन का मतलब होता है ऐसी मशीन जो एक बार उसको स्टार्ट कर दिया तो चलती रहे बिना किसी एनर्जी के, ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है ठीक है, एंड दिस इज ऑब्वियस कि बिना किसी के एनर्जी के हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते है ना। देखो इट इज नॉट, अलग अलग स्टेटमेंट आपके बुक में मिलेंगे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन ऑन टू अकम्प्लिश दिस फ्लो, तो यहाँ पर देखो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी तक अगर हीट को लेके जाना है तो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, ये इसमें बताया है ना, बिना इस वर्क के ये हो नहीं सकता है। अगेन उसकी हीट फ्लो डायग्राम दिया है, फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट दिया आपको, हर एक साइंटिस्ट ने अपना अलग स्टेटमेंट बनाया हुआ है। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट कोल्डर टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है कोल्डर टेम्परेचर से हम लोग स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हीट फ्लो नहीं कर सकता है ठीक है, उसको करवाना पड़ेगा, खुद से नहीं कर सकता। अब अगली क्लास में बच्चों हम लोग कार्नोट साइकिल और उससे आगे की जो चीज़ें हैं, कार्नोट साइकिल एक टॉपिक है और बचा हुआ टॉपिक है कार्नोट रेफ्रिजरेटर, सेम है सारी चीज़ें ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट ठीक है एनीवेज मैं पढ़ा दूंगा अगली क्लास में।
और स्टर्निंग साइकिल, ये दो जो टॉपिक है ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगली क्लास जो रहेगी वो इस टॉपिक की लास्ट क्लास रहेगी जो कल जाएगी, और उसके बाद इस लेसन पे आपका एक टेस्ट होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करना है, एमसीक्यू टाइप का टेस्ट रहने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड, सारे फॉर्मूले वगैरह अच्छे से करो, न्यूमेरिकल्स करना है, ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो रुकते हैं यहीं पे आज के क्लास के लिए।